हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन PCl3+Cl2 गैसेस फॉर्म में, दोनों ही इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हो रही है बेटा, PCl5 बन रहा है गैसेस फॉर्म में एट 250 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना गिवन है बेटा? 250 डिग्री सेल्सियस गिवन है। वैल्यू ऑफ Kc गिवन है बेटा हमें 26, तो वैल्यू ऑफ Kp पूछी जा रही है सेम टेम्परेचर पे। Kc क्या होता है बेटा? Kc होता है बेटा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इन टर्म ऑफ कंसेंट्रेशन। Kp होता है बेटा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। एक बात तो ये होगी बेटा, ठीक है। अब बात करें बेटा इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा? ये होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो रेस्ट टू द पावर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। प्रेशर के टर्म में लेंगे तो कंसंट्रेशन की जगह मैं प्रेशर वर्ड यूज कर लूंगा, और क्या है, ठीक है। इनके बीच में जो रिलेशन होता है बेटा केपी और केसी के बीच में, वो होता है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। आर क्या बेटा? यहाँ पे आर होता है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू हम ले रहे होंगे 0.0821 एटीएम लीटर पर कैल्विन पर मोल, पर कैल्विन पर मोल। जो टी है बेटा वो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर होना चाहिए बेटा हमारा कैल्विन में। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 250 डिग्री सेल्सियस को कैल्विन कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दूंगा। इसको ऐड करने पे मैंने पाया कि 0+33 523 कैल्विन आया मेरा, ठीक है। अब बेटा और डेल्टा एन जी क्या बेटा? डेल्टा एन जी है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में भी हमारा गैसियस फॉर्म में सारे बेटा, और रिएक्टेंट में भी बेटा हमारे सब गैसियस फॉर्म में है, तो कुछ नहीं करना बेटा। डेल्टा एन जी तो इजीली निकल जाएगा। प्रोडक्ट में बेटा एक मोल है बेटा, और रिएक्टेंट में कितना है बेटा? एक मोल सी एल टू का, एक मोल पी सी एल थ्री का, मतलब टोटल 2 मोल्स हो गए। डेल्टा एन जी वैल्यू -1 आ रही है। बस सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे केपी की वैल्यू निकाल रहा होगा। कैसे देखिए, केपी वैल्यू क्या आई बेटा? केसी की वैल्यू कितनी है? 26। आर की वैल्यू कितनी बेटा? 0.0821, ठीक है, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। इनटू में टेम्परेचर की वैल्यू कितनी बेटा? 523 केल्विन, ठीक है। होल की पावर -1 है, तो -1 का मतलब क्या हो गया बेटा? उसके इनवर्स में लिख सकता हूँ मैं कि केपी इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 0.0821 इनटू में 523, ठीक है। यहाँ पे पहले यूनिट कैंसिल होते, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया बेटा, यूनिट क्या आ रही होगी बेटा? मोल पर एटीएम लीटर ना। अब देखिए सारी वैल्यूज हम जो गिवन है बेटा उसको रख देते हैं, ठीक है। अब तो सिंपली बेटा हम क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो क्या आंसर आएगा बेटा? देखिए 26 डिवाइड बाय 0.0821 डेट डिवाइड बाय 523, तो ये मेरा बेटा आंसर आ रहा है 0.60 के आसपास, ठीक है। लगभग 0.60 या 61 भी कह सकता हूँ मैं, 0.61 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। केपी वैल्यू बेटा हमारी आ रही है, हमसे बेटा बिना यूनिट के पूछे तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं कि 0.60 आ रही है हमारी, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये अप्रोक्सीमेटली 0.61 है, ठीक है। हैंस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 0.61 इज द वैल्यू ऑफ केपी, ठीक है। जब वैल्यू ऑफ केसी हमें 26 में गिवन है, देखिए बेटा केसी की यूनिट बेटा यूनिटलेस है ना, तो केपी की वैल्यू हमें यूनिटलेस लिखनी थी, इसलिए मैंने 0.61 डायरेक्ट लिख दिया। हैंस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।